हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूआरएल के बारे में बात करेंगे। आखिर ये यूआरएल होता क्या है और ये यूज कैसे होता है। दोस्तों, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप यहाँ देख भी रहे होंगे, मैंने इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख के रखा होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आखिर ये यूआरएल होता क्या है और ये काम कैसे करता है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यूआरएल को समझने से पहले हमें वेब पेज के बारे में जानना होगा। आखिर ये वेब पेज होता क्या है, क्योंकि दोस्तों अगर आप वेब पेज का मतलब समझ गए तो यूआरएल समझना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। आप बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ, यही यूआरएल होता है, क्योंकि जो यूआरएल होता है वो किसी वेब पेज के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब यूआरएल में दोस्तों कई चीज़ें होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे पास एक यूआरएल है, यहाँ से यहाँ तक का जितने मैंने सिलेक्ट किया, इसमें कई चीज़ें जैसे https www यहाँ पे sportkira.com, उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो ये पूरा यूआरएल है। अब ये यूआरएल में ये चीज़ क्या होती है, मैं अभी सभी के बारे में डिटेल में बात करूंगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम यूआरएल को समझने से पहले हम वेब पेज के बारे में जानेंगे, आखिर ये वेब पेज होता क्या है। उसके बाद हम यूआरएल को बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ, ये यूआरएल यही होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वेब पेज का कंसेप्ट क्या है। तो दोस्तों, वेब पेज का कंसेप्ट समझने के लिए आप गूगल के ब्राउजर पे चले जाइए। दोस्तों, आप किसी भी ब्राउजर पे जा सकते हैं, आप फायरफॉक्स पे भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं गूगल का एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं, मान लीजिए दोस्तों मैंने यूआरएल ही नाम से कुछ सर्च कर दिया। अभी दोस्तों मेरा ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो पहले मैं इसको कनेक्ट करके आपको समझाता हूँ। मैंने इसको अभी कनेक्ट नहीं किया, तो 2 मिनट रुक जाइए दोस्तों, पहले मैं अपना डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप अपना पहले गूगल खोल लीजिए क्रोम, और इसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर लीजिए। मान लीजिए मैंने एप्पल सर्च कर दिया, कुछ भी दोस्तों। तो दोस्तों अभी दोस्तों ये मेरा थोड़ा इशू आ रहा है, तो रुक जाइए, अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ है प्रॉपरली। हाँ, तो देखिए दोस्तों, मैंने सर्च करके एप्पल इसमें लिख दिया है। अब दोस्तों, जो भी आप गूगल के माध्यम से या मोजिला फायरफॉक्स के माध्यम से सर्च करते हैं, तो जो भी आपको रिजल्ट दिखता है वो वेब पेज होता है। जैसे दोस्तों किताबों में अपना पर्टिकुलर एक पेज होता है, हर पेज पे अलग अलग जानकारी होती है और उस पेज को एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है। उसी तरह दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से यानी गूगल के माध्यम से जो भी हम सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद एक पेज ओपन होता है, तो इस पेज को ही हम वेब पेज कहते हैं। अब दोस्तों आप किसी और वेबसाइट पर भी इसी तरह क्लिक करके चल जाइए, तो एक नया पेज खुलेगा, तो इस पेज को भी हम वेब पेज कहते हैं। अब दोस्तों आप किसी दूसरे साइट पे चल जाइए, क्लिक करके आप जो भी पेज खोलेंगे इसको भी वेब पेज ही कहते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों जो ये गूगल का भी ये पेज आपको फ्रंट वाला दिख रहा है, इसको भी वेब पेज कहते हैं। तो दोस्तों आप जान गए कि वेब पेज क्या होता है। वेब पेज का मतलब कि दोस्तों जो भी आप गूगल के माध्यम से या मोजिला फायरफॉक्स के माध्यम से या यूसी ब्राउजर के माध्यम से, यानी दोस्तों किसी भी ब्राउजर के माध्यम से आप जो भी चीज़ें सर्च करके ओपन करते हो अपने मोबाइल में, फ़ोन में, तो ये जो पेजेस आपको दिखती हैं इनको ही वेब पेज कहा जाता है। अब दोस्तों ये तो हो गया वेब पेज, अब यूआरएल क्या होता है दोस्तों। दोस्तों आपने जितना भी आपने पेज दिखा होगा, उस पेज का एक पर्टिकुलर ये एड्रेस होता है ऊपर के साइड में, तो इसको ही हम आप यूआरएल कहते हैं। जैसे दोस्तों आप ये गूगल देख रहे हैं, इसका इस वेब पेज का भी अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस है। जैसे इस पेज का पर्टिकुलर एड्रेस होगा https://www.google.com, तो इसका एक अपना पर्टिकुलर एड्रेस है। अब दोस्तों इस पेज में हम आए तो देखिए इसका एक अपना पर्टिकुलर एड्रेस है, ये एड्रेस आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, ये इस पेज का यूनिक एड्रेस है। अब दोस्तों मैं इस पेज पे अभी कुछ देर पहले गया था, इस वेब पेज का भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक यूनिक एड्रेस है। तो दोस्तों जितने भी वेब पेजेस होती हैं और उनका जो यूनिक एड्रेस होता है उनको ही हम यूआरएल कहते हैं। अब दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब दोस्तों जो ये यूआरएल होता है ये कई पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो दोस्तों आप यूआरएल होप आप समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं जानेंगे कि ये यूआरएल कितने कितने पार्टों में बटा होता है और ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों मैंने एक वेब पेज का एक ये यूआरएल लिया हुआ है, ये भी किसी एक पर्टिकुलर वेब पेज का ही एक मैंने यहाँ पे यूआरएल लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग में ये https है, यहाँ पे फिर www है, यहाँ पे sportkiller.com, उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका टाइटल वगैरह या पाथ वगैरह दिया हुआ है। तो हम चलिए एक एक करके
ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे HTTPS दिख रहा होगा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं आखिर ये होता क्या है। तो दोस्तों इसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अब दोस्तों ये प्रोटोकॉल क्या होता है, तो दोस्तों प्रोटोकॉल को समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपको एक शहर से किसी दूसरे शहर में जाना है, तो दोस्तों जब आप एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे जाने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत होगी। बिना रास्ते के तो आप जा नहीं सकते, चाहे आप गाड़ी से जाएँ, चाहे कार से जाएँ, चाहे एरोप्लेन से जाएँ, चाहे ट्रेन से जाएँ। जब आप एक शहर से दूसरे शहर तक जाएंगे तो आपको रास्ते की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह इंटरनेट की दुनिया में, नेटवर्किंग की दुनिया में, जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह तक भेजते हो या दूसरी जगह से अपने मोबाइल या लैपटॉप में लाते हो, तो उसके लिए एक रास्ते की ज़रूरत होती है। तो ये रास्ता ही हमारा प्रोटोकॉल कहलाता है, और ये जो HTTPS है इस प्रोटोकॉल का नाम है। तो ये करता क्या है, हमारी जितनी भी डाटा होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में और दूसरी जगह से पहली जगह में ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। तो ये प्रोटोकॉल का यही काम होता है कि ये बस जानकारियाँ एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करता है। अब दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे। WWW, ज़्यादातर लोगों का इसका फुल फॉर्म होता ही पता ही होगा कि इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब दोस्तों ये काम क्या करता है, तो इसका काम दोस्तों बस इतना ही है कि जितने भी प्रकार के वेब पेजेस हैं, अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखा के रखा होगा, ये देख रहे हैं, जितने भी वेब पेजेस होंगी उनका एक अपना पर्टिकुलर मतलब यूआरएल होता है। तो उन यूआरएल का जो मतलब कलेक्शन होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब के पास होता है, इस WWW के पास होता है। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का सर्वर है जो क्या करती है, सभी प्रकार के यूआरएल्स को अपने पास कंटेन करके रखती है। दोस्तों ये वर्ल्ड वाइड वेब, ये मतलब इंटरनेशनल वेब सर्वर है, इसको आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि दुनिया के जितने भी वेब पेजेस होती हैं उनका जो मतलब यूआरएल होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब के पास होता है। तो आप वर्ल्ड वाइड वेब के पास से किसी भी पेज का यूआरएल ले सकते हैं और उस यूआरएल से आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है आप ले सकते हैं। कई देशों में दोस्तों कुछ पर्टिकुलर यूआरएल बैन कर दिए जाते हैं, जैसे पॉन साइट्स की, इन सब की साइट्स को बैन कर दिया जाता है। तो वो यहीं से होता है कि इनके पास सभी प्रकार के जो वेब पेज होते हैं उनका एड्रेस होता है, इस एड्रेस को ही हम यूआरएल कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया यूआरएल। दोस्तों इसको हम लोग सब डोमेन के नाम से भी जानते हैं, तो आपको कहीं सब डोमेन का दिखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये WWW ही होता है। अब दोस्तों अगला यहाँ पे देख रहे हैं sportkeeda.com। अब दोस्तों ये क्या होता है, ये हमारा डोमेन होता है। अब ये दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट से आपको परचेज करना पड़ता है, जैसे godaddy.com, bigrock, ऐसी दोस्तों बड़ी सारी बड़ी बड़ी साइट होती है जहाँ से आपको ये पर्टिकुलर, ये जो आपको sportkeeda.com दिख रहा है ये आपको खरीदना पड़ता है। दोस्तों ये जो .com होता है ये टॉप लेवल डोमेन होता है, लेकिन हम sportkeeda.com इसको इतने एरिया को हम डोमेन बोलते हैं और इसको इसको डोमेन बोलते हैं, इसको सब डोमेन बोलते हैं। तो ये दोस्तों जो हमारा डोमेन होता है इसको हमें गोडैडी की साइट से या बिगरॉक या बहुत सारी साइट से इसको हमको खरीदना पड़ता है। और दोस्तों ये जो हमारा डोमेन होता है ये यूनिक होता है, आप इस नाम से दूसरा डोमेन नहीं खरीद सकते। दोस्तों .com ये पूरा वर्ल्ड वाइड काम करता है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत साइट पे .in, .pk, .us होता है, तो वो कंट्री लेवल के टॉप लेवल डोमेन होता है, और ये .com वर्ल्ड वाइड के लिए होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये सब डोमेन है, ये डोमेन है, और ये .com टॉप लेवल डोमेन होता है जो कंट्री वाइज भी होता है और यूनिवर्सल भी होता है। अब दोस्तों .com के बाद ये आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, ये दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस जगह पर हो, उसके अनुसार ये अलग अलग चीज़ें हो सकती है। अगर दोस्तों आपने कोई साइट खोल के रखा है तो जो .com के बाद ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ये चीज़ें दोस्तों उस मतलब पर्टिकुलर वेब पेज का टाइटल हो सकता है या उसकी हेडिंग वगैरह हो सकती है। तो दोस्तों आप मान लीजिए किसी एप्पल की साइट पे किसी पर्टिकुलर पेज पे चले गए, तो .com के बाद जो भी आपको ये चीज़ें दिखेंगी ये उस साइट का पाथ हो सकता है, टाइटल हो सकता है, फोल्डर वगैरह हो सकता है। तो इसी तरह दोस्तों ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस यूआरएल पे हो, तो उसके अनुसार ये चेंजेस हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ है कि जो HTTP है ये हमारा प्रोटोकॉल है, और ये जो WWW होता है ये हमारा सब डोमेन होता है, और sportkeeda.com हमारा डोमेन होता है। लेकिन
sportkeeda.com में जो ये .com होता है दोस्तों, ये हमारा टॉप लेवल डोमेन होता है। और दोस्तों ये अंत में जो ई स्पोर्ट्स के बाद आपको ये वर्जन तक लिखा हुआ है, ये आपका पाथ, फोल्डर और टाइटल हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये URL किसी वेब पेज के लिए है या किसी दूसरी चीज़ों के लिए है। तो दोस्तों आपको होप ये URL का कंसेप्ट समझ में आ गया। और एक दोस्तों होता है लिंक, ये URL लिंक कब बन जाता है, क्योंकि आपने सोच कई जगह सुना होगा कि मुझे भाई ये लिंक भेज दो, ये लिंक भेज दो। तो दोस्तों ये लिंक क्या होता है, दोस्तों URL ही एक कंडीशन में वो लिंक बन जाता है जब ये टचेबल फॉर्म में होता है। अभी आप दोस्तों ये URL देख रहे होंगे, मैं इसको टच करके इसके ओरिजिनल वेब पेज पर नहीं जा सकता। दोस्तों अभी जो ये URL है इसको मैं टच करके किसी पर्टिकुलर पेज पर नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसको अगर हाइपर लिंक बना दूँ, यानी कंट्रोल के माध्यम से इसको हाइपर लिंक बना दूँ, तो ये टचेबल फॉर्म हो जाएगा और ये मुझे इसके पर्टिकुलर वेब पेज पर ले जाएगा। तो दोस्तों लिंक वही होता है जिसको हम टच करके उसके पर्टिकुलर वेब पेज पर पहुंच जाएं। दोस्तों आप ये व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे URLs होते हैं जिसको टच करके हम किसी पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों वो हमारा लिंक होता है, लेकिन ये अभी टचेबल फॉर्म में नहीं है, तो ये URL के फॉर्म में है। तो होप दोस्तों आपको बहुत सारी जानकारी पता चल गई होगी। अगर दोस्तों आपके अभी भी कोई सवाल रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा बता दीजिएगा, मैं आपको उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों URL के बारे में मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया, और URL के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो, और वो चीज़ें काम कैसे करती है मैंने उसके बारे में भी बता दिया। अगर फिर भी आपके दोस्तों कोई क्वेश्चन रह गए तो आप बेझिझक मुझे कमेंट के द्वारा बता दीजिए, मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।